प्रदेश में आज से शुरू हुई 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए जिला हमीरपुर में 6 परीक्षा केंद्रों को देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाजसेवी सावित्री बाई फुले के नाम पर बनाया गया है। यही नहीं, परीक्षा केंद्रों में अधीक्षक व उपाधीक्षक भी महिला अध्यापक ही तैनात होंगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर के परीक्षा केंद्र को सावित्री बाई फुले नाम पर रखा गया है, जिसमें केवल महिला अध्यापक ही तैनात किए जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल के सभी निर्देशों का पालन करते हुए प्रथम दिन परीक्षा में 10वीं कक्षा के 218 छात्रों ने परीक्षा केंद्र में उपस्थिति दर्ज करवाई। सावित्री बाई फुले परीक्षा केंद्र हमीरपुर में वार्षिक परीक्षा के तहत बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। परीक्षा केंद्र में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नजर रखने के अलावा छात्रों को परीक्षा केंद्र में बैठने के लिए निर्धारित दूरी अपनाई गई। स्कूल की प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि परीक्षा केंद्र का नामकरण सावित्री बाई फुले के नाम पर किया गया है, जिसमें पूर्णतः महिला स्टाफ ही तैनात रहेगा और परीक्षा अधीक्षक से लेकर अध्यापकों की ड्यूटी में भी महिला स्टाफ ही ड्यूटी दे रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से इस तरह पहली बार स्कूलों के परीक्षा केंद्रों का नामकरण कर परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है। प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि परीक्षा केंद्र में 10वीं कक्षा के 224 में से 218 छात्र परीक्षा देने पहुंचे हैं, जबकि एक छात्र के कोविड पॉजिटिव आने के चलते उसकी परीक्षा बाद में ली जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ छात्रों को सर्दी खांसी की शिकायत के चलते अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा ली जा रही है। नीना ठाकुर ने बताया कि सेंटर में सभी निर्देशों को पालन किया जा रहा है, साथ ही परीक्षा केंद्र में CWSM के तहत आने वाले छात्रों के लिए भी अलग से प्रबंध किए गए हैं। इसका नाम के पीछे की वजह मैंने आपसे शेयर करा की है, क्योंकि फीमेल स्टाफ जो है वो ड्यूटी पे हैं, यानी विजिलेशन है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सभी लेडीज हैं, इसलिए रखा गया है। तैयारी के नाम पे यहाँ कोविड को लेके पूरी जो है वो पुख्ता इंतजाम आप कह सकते हैं किए हुए हैं। सैनिटाइजेशन का प्रबंध है, हैंड वॉश बच्चों को कराए गए हैं, थर्मल स्कैनिंग करी गई है उनकी, फिर उनको अंदर बिठाया गया विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंस रख के बिठाया गया है, काफ़ी दूरी पे एक दूसरे से रखा गया है। उसी ढंग से स्टाफ भी जो डिप्यूटेड है वो भी उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए किया गया है। आज मॉर्निंग में 10th जो है वो अपीयर हो रही है, प्लस 2 इवनिंग में रहेगा। यहाँ पे 6 प्राइवेट स्कूल अपीयर हो रहे हैं और टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो हमारे पास 224 अपीयर होनी थी, लेकिन 6 बच्चे एबसेंट हैं, 218 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, जिनमें से 72 जो हैं वो अपने स्कूल के हैं। एक बच्चा पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया था किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा, लेकिन उसको एक महीने के बाद अपीयर होने के लिए एज पर गाइडलाइंस कहा गया है, उसको यहाँ नहीं बुलाया गया। फीवर वाले और खांसी वाले बच्चे हैं जिनको अलग से कमरे का इंतजाम किया गया है। फिर स्पेशल चिल्ड्रन भी अपीयर हो रहे हैं अपने स्कूल के CWSN में, जो बच्चे आते हैं वो भी एक सेंटर अलग से बनाया गया है। वहीं परीक्षा देने के बाद छात्रों ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बहुत ही अच्छे प्रबंध किए गए हैं। कोविड का नियमों का कितना पालन हो रहा था? कोविड के नियमों का कितना पालन हो रहा था? कोविड के नियमों का अच्छी तरह से पालन हो रहा था, ठीक है इंतजाम से सारे। और अब हिंदी का पेपर था, पेपर बहुत बढ़िया गया और अंदर अच्छी फैसिलिटी थी, सब कुछ ठीक था और सभी को दूर दूर बिठाया जा रहा था, कोरोना का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। और सैनिटाइजर सारों के पास था और टीचर बार बार सैनिटाइजर यूज़ करने को बोल रहे थे और मास्क सारा सबके मतलब ईच स्टूडेंट के फेस के ऊपर था। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जिरालडी, डिडवेंटिकर बाल स्कूल हमीरपुर, कोर्ट स्कूल और टिप्पर स्कूल शामिल हैं, जिनमें सावित्री बाई फुले के नाम पर परीक्षा केंद्र तैयार करवाए गए हैं, जिनमें अप्रैल और मई माह में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।